हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई आज मैं बताऊंगा इसकी रिमोट कीलेस एंट्री के बारे में। तो ये इसका रिमोट मिल जाता है और क्या क्या इसके फंक्शन मिलते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें हमें लॉक का बटन मिलता है, अनलॉक का। तो ये मैं आपको अंदर बैठा हूँ इसमें करके दिखा देता हूँ। तो हमारी दूसरी चाबी इसमें लगी हुई है, ये आप देख सकते हो, ये मैंने नई वाली ले रखी है। तो भाई देख लो, इससे तो हमारा ये लॉक होता है और इससे अनलॉक होता है। अब मैं अंदर बैठा हूँ इसलिए आवाज नहीं कर रही, अगर बाहर होता तो ये आवाज करेगी। दिखा देता हूँ, तो भाई ये चीज आपने देख ली। अगर इसमें हमारे इसमें इग्निशन में अगर चाबी लगी होगी तो वो चीज मैं दिखा देता हूँ। अगर हमारी की इसमें लग जाती है तो उसके बाद ही हमारी, यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो चाबी मैंने इग्निशन अपना ऑन नहीं किया तो अभी कर रही है। अब हमारा इग्निशन ऑन है, अब देखते हैं। तो अब देख लो भाई, अब कोई साउंड नहीं कर रही। अब ये लॉक अनलॉक तो हो रहे हैं पर साउंड नहीं कर रही। तो ये चीज बता दी मैंने, और बता देता हूँ भाई इसके फंक्शन बता देता हूँ। जैसे कि हम इसे अपनी की से इसे लॉक अनलॉक करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। रिमोट नहीं होता तो चाबी से हमें अपनी लॉक अनलॉक करने पड़ते हैं। इसका यूज हम जब करते हैं, जब हमारे रिमोट की बैटरी डाउन हो जाए या हमारी कीलेस एंट्री नहीं होती, सीधा चाबी से ही अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं। तो वो भी आप देख सकते हो। तो भाई की से आपने देख लिया, ऐसे हमारे डोर जो ऐसे लॉक अनलॉक होते हैं। और मैं इसका फंक्शन बता देता हूँ, जो हमारा लॉक का लॉक की साउंड करता है वो किस हिसाब से करता है। तो भाई जब हम अपनी गाड़ी को लॉक कर देते हैं, तो जैसे अब मैं अंदर से ही बता देता हूँ, हमारी अब गाड़ी को लॉक करेंगे तो एक चिप की आवाज आएगी बस, और अनलॉक करेंगे तो दो चिप की आवाज आएगी। देख लो मैं करके बता देता हूँ, तो दो की आई है और ये जैसे ही अनलॉक होगी ये हमारी ऑन हो जाएगी। लॉक होते ही ये बंद हो जाएगी ये लाइट हमारी सेंटर लॉकिंग की। तो ये चीज आपने देख ली। और भाई जो ये हमारा पैनिक बटन है, अगर हम इसे दबाए रखते हैं 3 सेकंड तक तो ये हमारी साउंड करनी चालू कर देगी। जैसे आप देख सकते हो आपको आवाज आ रही होगी, बाहर से सुना देता हूं मैं। तो भाई ये इससे साउंड चेंज होगी हमारी दो बार दबाने से। तो इसे बंद करना है तो ये एक बार दबा दो लॉक का या अनलॉक का, ये हमारी बंद हो जाती है। अनलॉक से भी देख लेता हूँ मैं एक बार होती है नहीं। तो भाई हो जाती है इससे भी, अनलॉक से भी। और एक फंक्शन ये भाई, जैसे कि हम अपनी गाड़ी को अनलॉक कर देते हैं और लॉक करनी भूल जाते हैं, तो 30 सेकंड बाद अपनी गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है, वो चीज़ भी देख लेते हैं हम एक बार। तो भाई ये पुरानी गाड़ी होगी, इसके आधे फंक्शन तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। भाई मैं इसका विंडो नीचे कर देता हूँ फिर बताता हूँ, फिर चाबी को अपनी को अंदर डाल दूंगा इसमें। अब देखते हैं 30 सेकंड में बंद होती है नहीं। तो ये देख लो भाई, अगर हमारे अनलॉक होने के बाद ये भी होती रहती है, लॉक हो जाएगी जब अपने आप ब्लिंक करनी बंद हो जाएगी।
भाई देख लो, ये चीज भी ब्लिंक करनी बंद होगी। आओ अपने तरीके से कर रही है, 5-10 सेकंड में जितनी भी कर रही है। तो भाई की देख लो, की हमारी यहीं पे रखी है। तो भाई एक चीज और देखते हैं, जैसे हमारी की लग रही है, अब मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ और फिर देखते हैं ऑन करके हमारी लॉक होती है या नहीं। मैंने कर दिया अनलॉक, फिर से दिखा देता हूँ आपको। देख लो इग्निशन ऑन है हमारा। अब देखते हैं 30 सेकंड में हमारी ऑफ होती है या नहीं। तो भाई ऐसे तो मुश्किल है, जैसे हमारी गाड़ी चलेगी 10-20 से स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ये लॉक हो जाएगी। तो भाई अब ये चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, डोर वगैरह के बारे में बता देता हूँ और उसको भी बताऊँगा जो हमारी साउंड ऑन ऑफ होती है इसकी, वो चीज़ भी बताऊँगा। अब डोर पे दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके दिखा के, अगर हम अपना डोर खुला छोड़ देते हैं, लगता नहीं है अच्छे से तो लॉक करते हैं तो कितनी हमारी चिप्स की आवाज़ आएगी और कितने हमारे इंडिकेटर फ्लैश करेंगे, तो दिखाता हूँ वो भी मैं। ये तो भाई अंदर तो काम नहीं कर रही, जब चलेगी हमारी जब ही काम करेगी, दिखाता हूँ मैं। तो भाई बोनेट की बता दूँ, बोनेट पे करती है 3 फ्लैश और 3 बार चिप्स की आवाज़ आती है। अगर साइलेंट हो तो आवाज़ नहीं आएगी, वैसे होगी तो दिखाऊंगा भाई कौन से डोर पे कितनी आवाज़ आएगी। अगर डोर अच्छे से नहीं लगेगा तो हमारे 5 चिप्स की आवाज़ आएगी, वो आप देख सकते हो। और अनलॉक करने पे 2 चिप्स की आवाज़ आएगी। अगर हम अपने डोर को अच्छी तरह बंद कर देते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ, तो हमारी बस 1 ही चिप्स की आएगी। और जो हमारे साइड के इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे और जो फ्रंट में हेडलाइट्स में होते हैं वो भी इनके साथ ब्लिंक करेंगे, वो भी आप एक बार देख सकते हो। तो गाड़ी के सभी डोर्स पे हम चेक करेंगे कौन से पे कैसे कितना बढ़िया काम करता है। तो ये बैक साइड वाले पे देखते हैं, इसका शायद सेंसर ख़राब है, इस पर फिर भी चेक कर लेते हैं। इसमें जो भी लगा होता है हमारे डोर में वो ख़राब है, वो इसमें सही से काम नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं पीछे और पीछे के डोर पे चेक कर लेते हैं काम करता है नहीं सही से। इस पर भी काम नहीं कर रही, इस पर भी सेम है। तो भाई यहाँ भी देखते हैं इंडिकेटर भी हमारे ब्लिंक करते हैं। अब ये वाला डोर देखते हैं, तो भाई इस पर सही काम कर रही है, शायद उसका कोई सेंसर वगैरह ख़राब हो गया। कोड लाइव वाला देख लेते हैं, अनलॉक करते हैं तो 2 बार ही सही है। अब मैं बोनेट और दिखा देता हूँ, बोनेट पे भी काम करती है नहीं सही से, 3 करनी चाहिए बोनेट पे। बोनेट मैंने ओपन कर दिया, तो भाई हमारे बोनेट का भी सेंसर ख़राब हुआ पड़ा है, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। नहीं तो भाई पहले मैंने देखा था, वो 3 ब्लिंक करता था, उस पर अगर हमारा बोनेट खुला रह जाता है तो वो ठीक है। भाई अब मैं लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, तो जो ये पैनिक बटन है हमारा, ये तो हमारी कहीं लोकेशन के हिसाब से, कहीं हम अपनी पार्किंग वगैरह में खड़ी कर देते हैं तो वहाँ ढूंढने में हमारी आसानी करता है। अब बताता हूँ मैं ये साइलेंट म्यूट और अनम्यूट कैसे होती है। तो भाई अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
तो भाई इसको पहले ऐसे आपको देख लो, अब आवाज आ रही है आपको, सुनाई दे रही होगी। तो अब आपको क्या करना है, पहले ये दबाना है, ये करना है, हो गई साइलेंट हमारी, अब दोबारा ये दबाना है, फिर ये करना है। आसान है भाई, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।